Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss last part, classification of road का ये last part है हमारा और इसके बाद हम जो discuss करेंगे वो करेंगे बेटा road density. जो road जो density है उसके बारे में पढ़ेंगे और आज ये topic है हमारा complete हो जाएगा, इसका last third video है ये. और उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं बेटा, मैं अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए. और आपको शाम को 7 बजे की जो क्लास है, जो लाइव क्लास है, उसके अंदर एमसीक्यू हो वो कराए जाते हैं, उसको भी ज़रूर अटेंड कीजिए. चाहे वो हिस्ट्री की क्लास ली जाए या फिर आपको पॉलिटिकल साइंस, आपको एक ना एक सब्जेक्ट के एमसीक्यू हो वो डेली 7 बजे की जो लाइव क्लास है उसके अंदर आपको कराए जाएंगे शाम को. चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा. हमने जो पढ़ा था बेटा उसके अंदर हमने पढ़ा डिस्ट्रिक्ट रोड है, हेड डिस्ट्रिक्ट रोड, स्टेट रोड, नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे, अदर रोड, बीआरओ, ये सभी जो रोड हैं वो पढ़े हमने. अब हम जो पढ़ेंगे वो कुछ अलग ही पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज्ड, कि जो मटेरियल यूज्ड, देखिए क्या पूछा गया है, बेसिक ऑफ द टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज्ड, कि किस तरह का जो मटेरियल यूज के आधार पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो कितने तरह के जो रोड हैं वो होंगे. तो दो तरह के होंगे, एक तो मेटेलिक रोड होगा, एक नॉन मेटेलिक, पक्के रोड और कच्चे रोड. दो तरह के जो रोड हैं वो दिखाई देते हैं. जो मेटेलिक रोड होते हैं ये मेड ऑफ सीमेंट, कंक्रीट एंड इवन बिटुमिन कोल. देखिए ये क्या होते हैं, ये मेनली जो बने होते हैं सीमेंट से, कंकर पत्थर से, और जो कोल होता है, जो तारकोल होता है उससे ये बने होते हैं. कहने का मतलब ये होता है मेरा कि ये पक्के रोड होते हैं और इनका जो इस्तेमाल है वो हम ऑल वेदर रोड, कि हम इन रोड का इस्तेमाल है वो हर एक मौसम, हर एक सीजन के अंदर इसका इस्तेमाल है वो कर सकते हैं, चाहे विंटर हो, चाहे समर हो, या फिर मानसून ही क्यों ना हो, हम इनका जो इस्तेमाल है वो लगातार करते रहते हैं. अब नॉन मेटेलिक क्या होते हैं, मेड ऑफ मड एंड सैंड, जो मड है एंड सैंड है, जो रेत है और जो कीचड़ है उससे ये बने होते हैं. गो आउट यूज इन रेनी सीजन, और इनका जो इस्तेमाल है वो हम कब नहीं कर सकते, इनका जो इस्तेमाल है वो हम रेनी सीजन के अंदर नहीं कर सकते. क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पानी है वो भर जाता है, या फिर मैं कहूँ कि जो मड है, जो गार, ठीक है ना, जो गार है वो हो जाती, गाद हो जाती है एक तरह से, जो मड है, ठीक है ना बेटा. ये समझ आया होगा आपको मेटेलिक और नॉन मेटेलिक. जो नॉन मेटेलिक हैं ये रेनी सीजन के अंदर हम इनका जो इस्तेमाल है वो नहीं कर सकते, और जबकि जो मेटेलिक हैं इनका इस्तेमाल है वो हम पूरे साल भर कर सकते हैं. अब कुछ फैक्ट हैं बेटा, जो कुछ फैक्ट हैं वो आपको समझने की कोशिश करना. NH1 नेशनल हाईवे नंबर 1 शेरशाह सूरी मार्ग, शेरशाह सूरी मार्ग है बिटवीन दिल्ली टू अमृतसर. अमृतसर से जो दिल्ली को जोड़ने वाला जो नेशनल हाईवे है वो है 1, और इसको हम शेरशाह सूरी जो मार्ग है वो कहते हैं. NH7 है लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, ये सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है और इसकी डिस्टेंस कितनी है, 2369 किलोमीटर ये लंबा है. कहाँ से कहाँ तक है, वाराणसी टू कन्याकुमारी, वाराणसी से कन्याकुमारी है. NH8 कनेक्ट दिल्ली टू मुंबई, जो नेशनल हाईवे नंबर 8 है वो हमें किसको जोड़ता है, दिल्ली से मुंबई तक जोड़ता है. और NH15 क्या है, कवर मोस्ट ऑफ द राजस्थान, जो NH15 है ये मोस्टली राजस्थान को कवर है वो कर लेता है. तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और बेसिक टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड. रोड की जो क्लासिफिकेशन है वो भी हमने कर दी है, किसके आधार पे, मटेरियल यूज्ड के आधार पे हमने इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो कर दी बेटा. अब आपको किसी प्रकार से कोई डाउट है क्लासिफिकेशन ऑफ रोड के पहला पार्ट एंड सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट में, तो आप मुझे कॉमेंट करके बता दीजिए, या फिर आप चाहते हैं कि मैं अलग से नेशनल हाईवे के एक अलग से वीडियो बनाऊं ताकि आपको एक इजी ट्रिक में समझा सकूं, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे जब भी मैं आपको वीडियो बना के दे सकूंगा बेटा. बस आज के लिए इतना ही. आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसी वीडियो देखने के लिए. थैंक यू.